नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको इस इमरजेंसी लाइट को आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें। चले सबसे पहले लाइट को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं तो लाइट अच्छे से ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तो उसका स्विच भी खराब है, तो इसको इस वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस लाइट को आप अच्छे तरह से दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी पीछे साइड में इसको सोलर लगा हुआ था तो निकल गया है। तो ये सोलर वाला इमरजेंसी लाइट है, तो उसको आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो उसको सबसे पहले चारों स्क्रू को हम निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। चलिए इसको स्विच सारा स्क्रू को आपको खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर तो देख सकते हैं हमने चारों स्क्रू को अच्छे तरह से निकाल लिया। इसके बाद में पूरा लाइट को खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरा लाइट को भी खोल लिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद इसको चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं इसको स्विच में ही खराबी था इसको, चलिए फिर दोबारा आपको दिखाने वाला हूँ उसको। चलिए आपको दिखाता हूँ उसको। तो देख सकते हैं स्विच को हम ऑन करें तो लाइट ये ग्लो नहीं कर रहे अच्छी तरह से, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इसको रिपेयर करके आपको दिखाने वाले, तो इसमें नया स्विच नहीं लगाएंगे, तो इसी स्विच को ही आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों स्लॉट बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको जो ऊपर वाला वायर को इसको क्या करने वाले हैं कि नीचे साइड में लगा लेंगे इसको। यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए सोचा इसको चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं जैसे हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लाइट ग्लो कर रहे हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं तो इसका ऊपर वाला साइड में ये खराबी हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। इसको क्या करेंगे कि इसको ऊपर वाला साइड वायर को निकाल के नीचे वाला साइड में लगा लेंगे। चलिए इसको लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वायर को हम निकाल लेते हैं, इसके बाद में इसको नीचे साइड में लगा लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से उसको निकाल लिया है। इसके बाद में थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेते हैं नीचे साइड में, इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। उसको वायर में सोल्डरिंग करने आसानी होगी, तो इसलिए उसको थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेते हैं नीचे साइड में। तो आप देख सकते हैं हम नीचे साइड में थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लिया, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में इस वायर को नीचे साइड में लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हो, जो भी आपका स्विच में खराबी होगा, इस तरह से तीनों स्लॉट बना होगा तो उसको रिपेयर कर सकते हो इस तरह से करके। चलिए इसको चेक करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला साइड में लगा हुआ था तो उसको नीचे साइड में लगा लिया। यहाँ पर इसको स्विच को चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरह से ग्लो कर भी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही उसको ऑफ साइड में कर रहे हैं तो ये लाइट ग्लो कर रहा है। तो उसको क्या करने वाले हैं कि स्विच को थोड़ा सा उसको घुमा कर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, चले सबसे पहले देख सकते हैं, चलिए इसको ऊपर लेते हैं लाइट को। इसके बाद में स्विच में देख सकते हैं दोनों स्क्रू दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि स्विच को जो स्क्रू दिया गया है इसको दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। इसके बाद में इसको चेंज करके लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों स्क्रू को निकाल लिया अच्छी तरह से, देख सकते हैं। तो आपको भी इस तरह से करना है। तो उसको निकालने के बाद देख सकते हैं इसको स्विच को क्या करने वाले, इस तरह से लगा होता है उसको घुमा देंगे। इस तरह से घुमा कर इसको जिस तरह से स्क्रू लगा होता है उस तरह से उसको स्क्रू से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ दोनों स्क्रू को लगा कर यहाँ पर। तो देख सकते हैं इस तरह से करके दोनों स्क्रू को टाइट करके लगा लेंगे। देख सकते हैं हमने स्क्रू से स्विच को फिक्स कर लिया है। तो आप जैसे जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो लाइट ये ग्लो कर रहा है, ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो उसको हमने स्विच को पूरा फिक्स कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से लाइट भी ग्लो कर रहा है। तो उसको जिस तरह से लगा हुआ तो उस तरह से स्विच अच्छे से इसको फिट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तो हमने फिट कर लिया। इसके बाद में चारों स्क्रू को अच्छे तरह से इसको स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर से टाइट करके फिक्स कर लेंगे। चलिए इसको फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों स्क्रू को अच्छे से टाइट करके फिक्स कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए उसको दोबारा आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। चलिए लाइट भी आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हो। तो आपने अभी तक तो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो पर। बाय बाय।